पास और कुछ पॉइंट हैं जो आपको जानने हैं। देखिए पॉलन राइट टाइप का है कि रॉन्ग टाइप का है इज मेनली रिकॉग्नाइज्ड बाय पिस्टल, मतलब पिस्टल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को कहते हैं और तीनों को मिला के, तो ये पिस्टल ही डिसाइड करेगी कि आपका पॉलन ग्रेन राइट है कि रॉन्ग है। पिस्टल हैविंग द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, पिस्टल में मतलब ये एबिलिटी होती है, पिस्टल मतलब स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, ये एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि पॉलन जो है वो रॉन्ग टाइप का है या राइट टाइप का है, ये पिस्टल ही डिसाइड करेगा। पिस्टल में ही ये एबिलिटी होगी इसे पहचानने की। इन केस पॉलन ग्रेन जो होता है आपका राइट टाइप है तो पिस्टल क्या करेगी, इसे एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है, एंड प्रमोट द पोस्ट पॉलिनेशन, जो आगे का प्रोसीजर होगा पॉलिनेशन का उसे प्रमोट करेगी, बढ़ावा देगी। इवन विच रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका यहाँ फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन केस द पॉलन इज रॉन्ग टाइप, अगर इन केस पॉलन रॉन्ग टाइप के हैं, ये जो पॉलन है वो रॉन्ग टाइप के हैं सपोज, तो आपका क्या होगा, पिस्टल कैन रिजेक्ट द पॉलन ग्रेन, जो पिस्टल है वो, ये पिस्टल है जो रिजेक्ट कर देगी इस पॉलन ग्रेन को आपके, ठीक है, बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन, और प्रिवेंटिंग मतलब बचाएगी पॉलन जर्मिनेशन से होने से स्टिग्मा बाय द प्रिवेंटिंग पॉलन ट्यूब इन द स्टाइल, और पॉलन ट्यूब भी नहीं बनाने देगी आपका, जहाँ वहाँ तक जाने नहीं देगी ओवरी तक, ओव्यूल तक, ताकि इसमें जर्मिनेशन ना हो। एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, जो पिस्टल की एबिलिटी है वो रिकॉग्नाइज करती है पॉलन पॉलन राइट टाइप का है कि रॉन्ग टाइप का है, फॉलोड एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डाइवर्सिटी। ओके क्लास।